आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। दादा आप आपके लिए पनीर पकौड़े बनवाऊं या सैलेड? क्या पनीर पकौड़े खाने से उदासी चली जाती है? दफा तुम्हें इतना भी नहीं पता गुस्से में इंसान को ज्यादा भूख लगती है। और राधा बुआ ने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, लंच भी नहीं किया है उन्होंने अभी तक। तुम चुपचाप यहीं पे बैठना समझो, तुम हिलना मत। आपको किस बात पे हंसी आ रही है? हंसी? हाँ राधा बुआ, राधा बुआ एक बात मुझे सच सच बताइए, ये लड़की कौन है? ये शारदा दादी क्या नॉनसेंस बोले जा रही थी? हाँ लाइन से सबकी बुराई कर जा रही है। आई मीन व्हाट्स द प्रॉब्लम, इज़ शी मैड अबाउट उन्होंने पन्ना दीदी को ऐसे? सुहाना तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। पता है लेकिन हमें तो लगा ना, पता नहीं दादी जी उन्हें बर्दाश्त ही क्यों करती है। अरे नाना जी तो उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे इसलिए बाहर चले गए। मीना ये ले रख दे। पता है सब कुछ खाया लेकिन राधा बुआ के बनाए छोलों को हाथ तक नहीं लगाया। छोलों के नाम पे बोलने लगी मैं हरिद्वार जा रही हूँ। अब उन्हें राधा बुआ से क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, आराम से टूट जाएगा तो फिर से और एक ताना देंगी वो। कुछ भी कर लीजिए भाभी, ताने तो वो वैसे भी देंगी। अरे रजनी सब कुछ तैयार है ना, रख लिया ना? जी चाचा। चलो भाई अब मैं तो चलती हूँ। अरे कोई ईशान इंदर कोई हो तो बस अड्डे तक छुड़वा दो मुझे। हाँ हाँ क्यों नहीं। दीपक आ गया, दीपक बस अड्डे तक छोड़ा। अरे देख क्या रही हो अपनी राधा का बेटा। दीपक पैर छू। बस 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 राधा का बेटा है, दूर ही रहे तो अच्छा है। कि भगवान के दर्शन के लिए जा रही हूँ ना। मतलब क्या मतलब है आपका? नहीं आपकी नजर में मैं बांझ हूँ पर राधा बुआ और दीपक का क्या कसूर है? देखो भाई मैंने तो अब तक कोई पाप नहीं किया है, कितनी मिन्नतों के बाद अब जाकर भगवान के दर्शन का मौका मिला है तो आखिरी वक्त पर अपवित्र होकर क्यों जाओ? दीपक के पैर छूने से आप अपवित्र हो जाएंगी? नानी जी आप क्या कहना चाह रही हैं? आपने जान बूझ के राधा बुआ के हाथ के छोले नहीं खाए, राधा बुआ ने क्या किया है? लो सुनो, अरे इतना सब कुछ हो रहा है तुम्हारे घर में अब तक समझ में नहीं आया? अरे ईश्वर घर संसार छोड़ के चला गया, ईशान की बहू को क्या कहते ब्रेन ट्यूमर हो गया, ईशान का एक्सीडेंट हो गया, फिर भी पूछ रही हो क्या हुआ है? ये पता है ये सब किसकी वजह से हो रहा है? उस राधा की वजह से। मैंने तो पहले ही भैया से कहा था कि जब तक ये अपशगुनी घर में है ना कुछ भी अच्छा नहीं होना घर में। एक्सक्यूज मी हेलो, आप जो भी हो हाउ डेयर यू कैन टॉक लाइक दिस। ईशान की बहू अंग्रेजी में क्या बोल रही है? छोटी बहू लगता है इन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आती। इशिका अभी अभी जो मैंने इंग्लिश में बोला ना प्लीज इनके लिए जरा हिंदी में ट्रांसलेट करो। आप जो भी हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई है ऐसे बात करने की? इनफ इज इनफ, आई एम नॉट गोना टॉलरेट अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट राधा बुआ, डू यू अंडरस्टैंड दैट? बोल इशिका। बस बहुत हुआ, अब मैं राधा बुआ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। और आपको पता है राधा बुआ हमारे घर का कितना इंटीग्रल पार्ट है, अगर आपने राधा बुआ की इंसल्ट की ना आई एम नॉट गोना स्पेयर यू। ओके इसका बोलना हिंदी में तो क्या? राधा बुआ हमारे घर का अटूट हिस्सा है और अब आपने उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। देखा, देख रही हो भाभी ये सब क्या कह रहे हैं? अरे ये सब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और चुपचाप सुन रहे हो? सुहाना बिल्कुल सही कह रही है शारदा बुआ।
हमारे घर में राधा का दर्जा बहुत ऊंचा है। मैं सिर्फ इंदर और पन्ना की माँ हूँ, रानो ईशान और इशिका की। पर राधा, राधा तो सुहाना, दिशा, रजनी, इंदर, इलेश सबकी माँ है। राधा तो आलोक की भी माँ है और बाऊजी की भी। और शारदा बुआ, हमारा घर राधा के बगैर अधूरा है। सुना भाभी, सुना। शारदा, तुम्हारे भैया चाहते ही नहीं थे कि इस घर में तुम्हारे कदम पड़े, पर फिर भी मैंने रिश्तों का लिहाज रख के तुम्हें बुला लिया। पर अब मुझे भी पता चल गया है, तुम इस घर में कदम रखने लायक ही नहीं हो। इंदर, इलेश, कोई छोड़ के आओ बस अड्डे पे। ने ठीक है, ठीक है, मैं भी अब कभी दोबारा इस घर में नहीं आने वाली। सच तो कड़वा ही लगता है ना। नादान लोगों के लिए मैं अपना सर क्यों खपाऊं? संसार छोड़ के चला गया। ईशान का एक्सीडेंट हो गया। फिर भी पूछ रही हो क्या हुआ है? पता है ये सब किसकी वजह से हो रहा है? राधा की वजह से। वो आप यहाँ क्यों चले? कपड़े उतारने थे। आप रो रही हैं? नहीं, झूठ नहीं बाबा। राधा बुआ, लेडी की बातों पे क्यों आंसू बहा रही है? वो है कौन? तुम क्या खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहे हो? क्या? इधर आओ और बैठो, और राधा बुआ को समझाओ कि दूसरों की बातों पे आंसू नहीं बहाते। क्या हुआ राधा बुआ? शारदा दादी ने कुछ कहा आपसे? कहाँ है वो? अरे समझती क्या, अभी जाके समझा। ईशान सुन, तो ऐसा कुछ नहीं, तुम बैठ। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? हमने अच्छे से सुना दिया उनको। इस वक्त शारदा दादी इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वक्त राधा बुआ इम्पोर्टेंट है। क्यों राधा बुआ, आपके लिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, शारदा बुआ की हम ना? तो हमने तो आपके साथ कोई गलत बात नहीं की। इनफैक्ट अगर कभी मैं या ईशान आपके साथ कोई गलत बात करे तो आप भले आंसू बहाइए। मैं तो कहती हूँ कि अगर कभी ईशान आपके साथ मिसबिहेव करे तो आप उसे टाइट स्लैप लगाइए उसके फेस के ऊपर। आप उनके लिए क्यों बॉदर कर रही हैं? अब मुझे एक बात बताइए, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को हर कोई कुछ भी आके बोल देता है तो वो रोने थोड़ी लगता है बेचारा। तुम बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम भी कुछ बोलो राधा बुआ को। आप पॉज ली तो कोई कुछ बोलेगा ना। क्यों, राधा बुआ को हंसाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सिर्फ मेरी है, तुम्हारी कुछ नहीं है? राधा बुआ, आप आपके लिए पनीर पकौड़े बनवाऊं या सैलेड? क्या, पनीर पकौड़े खाने से उदासी चली जाती है? दफा तुम्हें इतना भी नहीं पता गुस्से में इंसान को ज्यादा भूख लगती है। और राधा बुआ ने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, लंच भी नहीं किया है उन्होंने अभी तक। तुम चुपचाप यहीं पे बैठना, समझो? तुम हिलना मत। आपको किस बात पे हंसी आ रही है? हंसी? हाँ राधा बुआ, एक बात मुझे सच सच बताइए।
ये लड़की कौन है? प्लीज राधा बुआ, मुझे सच सच बताइएगा। अरे आप ऐसे देख क्यों रही है? मुझे प्लीज बताइए ना, कौन है ये लड़की? तुम्हें बताया ना सबने, ये वही शशिकला। मैं ये सुन सुन के पक चुका हूँ राधा बुआ। मुझे पता है कि ये शशिकला तलवार है, दिशा भाभी की बचपन की सहेली है, पर क्या? अच्छा मुझे बताइए कि इनके हस्बैंड के साथ इनका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? हाँ राधा बुआ, अब देखिए ना, शशिकला जी कितनी प्यारी है, हमारे परिवार का हिस्सा ना होते हुए भी वो आपके दुख में शामिल हो गई। फिर ऐसी क्या वजह हुई होगी जिसकी वजह से इनके हस्बैंड ने इन्हें छोड़ दिया? इतनी अच्छी लड़की की कोई वैल्यू कैसे नहीं कर सकता? तो मेरे हस्बैंड की बुराई कर रहे हो? बुराई नहीं, मैं तो सच्चाई बोल रहा था। अरे आपका पति कितना जालिम है, आपको छोड़ के पता नहीं खुद कहां वो। शशिकला जी, आपका हस्बैंड आपको प्यार क्यों नहीं करता? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।